मुझे तो केवल एक ही बात दिखती है, जो लोग मतदान करने जा रहे हैं सब एक ही बात कहते हैं कि देश में मजबूत सरकार चाहिए, और जिस सरकार ने 5 साल तक काम किया है उसको और फिर 5 साल का मौका देना चाहिए, ये मुझे आम दृष्टि दिखाई पड़ता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पटना साहिब से तो एनडीए जीतेगा ही जीतेगा, जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें तो पूरा का पूरा 8 सीट एनडीए के खाते में आएगी। ईवीएम खराब होने की जो खबर मिल रही है, क्या जानकारी आपको मिली? ईवीएम कई जगह ईवीएम खराब की जानकारी मिली है और प्रशासन ने तुरंत सतर्कता के साथ उस कमी को दूर किया है, उसको चेंज किया है। नहीं, वोट का अवधि, चूँकि वोट डालने की अवधि लंबी हो गई है, 11 घंटे की अवधि है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डालना है, मुझे लगता है उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। प्रशासनिक पदाधिकारियों से हमारी बात, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो भी ईवीएम प्रोवाइड किए गए वो लगभग 15 से 20 साल पुराने हैं, जिसके कारण उनमें खराबियां आ रही हैं, जिनका उन्हें को आम जनता का को भाजक बनना पड़ा। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि मशीन कहाँ से आती है नहीं आती है, ये हमारा विषय नहीं, चुनाव आयोग का विषय है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। ये अंतिम चरण का चुनाव है लेकिन जो वोट परसेंट है वो काफ़ी कम है, अभी 11 बजे का जो वोट परसेंट है पटना साहिब से वो महज 15.75% है, तो क्या लगता है इसका? मैं सभी पटना के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जाके वोट डालें, और ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता अपनी भूमिका का निर्वाह करें।